गौतम जी, बहुत संक्षिप्त में एक आंसर आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आईएस सब चल रहा है या जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उसके लिए आप दोषी किसे मानते हैं? कम शब्दों में इसका कर दीजिएगा उत्तर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, दोषी तो है राज्य, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर के हाथ से निजीकरण करने की प्रक्रिया ही गलत है। ठीक है, दूसरी बात जो है, प्राकृतिक संसाधन हक किसका? सांविधानिक अधिकार स्थानीय समुदाय की जरूरी है, और उसी विकास में स्थानीय समुदाय की भागीदारी और स्थानीय समुदाय को हितग्राही बनाने की प्रक्रिया, अगर द्वंद बढ़ेगा तो उद्योग लायक परिस्थिति नहीं बनेगा। तो एक शांतिपूर्ण समृद्ध समाज, समृद्ध देश तभी बन पाएगा जब द्वंद कम होगा। हम द्वंद बढ़ाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, हम ऐसे प्रक्रिया अपनाना होगा जो ये द्वंद कम हो सके। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, इन सबको ये सोचना होगा कि इसके हित नजर आ रहे हैं, और किसी भी हाल में वो शायद अपनी जमीन पर ये उत्खनन नहीं होने देंगे। जिस तरह से ये खनन चल रहा है, वो खनन की कार्रवाई चल रही है, वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और शायद वो सरकार को झुकने के लिए, इस नीति को बनाने के लिए, बदलने के लिए भी तैयार रहेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए गौतम जी और अवतार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से वहां पर जो पहाड़ी है, उस पर जो आस्था का केंद्र बनी हुई है, वहां पर अब इस तरह से खनन अगर किया जाता है, तो जाहिर है एक नक्सलवाद की सोच भी लोगों के अंदर पनपेगी, और ये सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा, मानवता के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब देखने वाली बात होगी, आर पार की लड़ाई में निकली है ग्रामीण और आदिवासी, क्या अपनी जमीन को पाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।